आखिर कौन है वो देश जहाँ एक भी मच्छर नहीं होते हैं? क्या वो पूरी दुनिया से अलग है? आखिर रूस में 11 समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन क्यों? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आखिर कौन है वो समुद्री शेर जो संगीत के ताल पर ताली भी बजा सकते हैं? क्या इनको गाना सुनाना पसंद है? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए अद्भुत और रहस्यमय कंटेंट में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, तो मिलेगा सबका जवाब आज के इस रहस्यमय कंटेंट में। नंबर वन, एक ऐसा देश जहां मच्छर बिल्कुल नहीं है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के अलग यानी कि दुनिया के लगभग हर देश में मच्छर एक खतरा है। आइसलैंड दुनिया के कुछ रहने योग्य स्थानों में से एक है जो मच्छरों से मुक्त है। इसका कम तापमान कीट के प्रजनन के लिए असंभव स्थिति पैदा करता है। नंबर टू, समुद्री शेर भी संगीत की ताल पर ताली बजा सकते हैं। समुद्री शेर न केवल पूरी तरह से मनमोहक है बल्कि वे बहुत संगीतमय भी है। वे एकमात्र जानवर है जो संगीत की ताल पर ताली बजा सकते हैं। पहले यह व्यवहार केवल चिड़ियाघर और एक्वेरियम में देखा गया था, लेकिन डॉक्टर बिन वरवाइल मेडिकल डॉक्टर और अंडरवाटर कैमरामैन द्वारा कैप्चर किया गया वीडियो यह साबित करते हैं कि जंगली समुद्री शेर भी वास्तव में ताली बजा सकते हैं। नंबर थ्री, रूस में 11 समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है। रूस में देश के भीतर 11 समय क्षेत्र है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यह कितना बड़ा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी का घूमना प्राथमिक कारण है कि देश अलग अलग समय क्षेत्रों का पालन करता है। भारत में हमारे पास केवल एक ही समय जोन है, जिसका मतलब है कि आप जहां भी हैं, आपके स्मार्टफोन का समय जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह पूरे देश का वर्तमान समय है, चाहे पश्चिम में अहमदाबाद हो या दक्षिण में बेंगलोर। यही वजह है कि रूस में 11 अलग अलग समय क्षेत्र हैं। नंबर फोर, अन्य स्थान की तुलना में अधिक गुफाएं। क्या आप उस जगह को जानना चाहते हैं जहां पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक गुफाएं हैं? तो मुझे बताते हुए खुशी होगी कि वह जगह कैंटेटिक है, शायद आपकी छुट्टियों की सूची में जोड़ने लायक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह अद्भुत कंटेंट? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। या अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया कर इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।